नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 5 के हिंदी विषय के अंतर्गत पढ़ रहे हैं पाठ क्रमांक 14, जिसका की नाम है स्वर्ण नगरी की सैर। हाँ बच्चों, आज मैं आपको स्वर्ण नगरी की सैर कराने वाली हूँ। क्या आप जानते हैं स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है, यह कहाँ स्थित है? तो बच्चों मैं आपको बताती हूँ, स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहा जाता है और जैसलमेर राजस्थान राज्य का एक जिला है। बच्चों आज आप मेरे साथ जैसलमेर की सैर पर चलने वाले हैं। अब आपके मन में यह सवाल चल रहा होगा कि जैसलमेर को हम स्वर्ण नगरी क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों यह दूर से सोने के रंग जैसा दिखता है। देखिए यहाँ की रेत है, रेत का रंग भी पीला होता है और यहाँ पर पीले पत्थर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर किले भवन जो भी बने हुए हैं सब पीले रंग के पत्थरों से बने हुए हैं, जिसके के कारण दूर से देखने पर यह पीले रंग का या सोने के रंग जैसा दिखाई देता है, जिसके कारण इसे हम स्वर्ण नगरी कहते हैं। तो बच्चों आज आप मेरे साथ इस स्वर्ण नगरी की सैर पर चल रहे हैं, आइए चलते हैं हमारी सैर पर। देखिए भारत की पश्चिमी सीमा का सृजक पहरी है जैसलमेर। हाँ बच्चों, ये हमारा देश है भारत और ये राज्य है हमारा राजस्थान, और राजस्थान राज्य की पश्चिमी सीमा से लगा हुआ एक जिला है जिसका की नाम है जैसलमेर। बच्चों ये जैसलमेर जिला पाकिस्तान देश की बॉर्डर पर स्थित है और यह क्या करता है, यह पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठियों को रोकता है, उनसे हमारी रक्षा करता है। इसे स्वर्ण नगरी, हेमनगर, भड़किवाड़ आदि नामों से जाना जाता है। स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी का अर्थ होता है सोने सा शहर। हाँ बच्चों, इसे हम स्वर्ण नगरी, हेमनगर, भड़किवाड़ आदि के नामों से जानते हैं। रेतीले धोरों ने जीवन को दुर्गम बना रखा है, लेकिन यहाँ की सुंदरता देख लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। बच्चों दुर्गम का अर्थ होता है मुश्किल। जब हम जैसलमेर जाते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ रेत के टीले ही टीले हैं, पानी भी कम देखने को मिलता है, जिसके कारण यहाँ के लोगों का जीवन यापन बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जब हम जैसलमेर घूमने जाते हैं तो वहाँ की सुंदरता को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बच्चों जैसलमेर राजस्थान राज्य का एक ऐसा जिला है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बड़ा है, लेकिन जन घनत्व की दृष्टि से बहुत ही कम लोग यहाँ पर रहते हैं। देखिए हमने सुना था जिस प्रकार लाखों लोगों के अंगूठे पर बनी रेखाएं मेल नहीं खाती, वैसे ही यह स्वर्ण नगरी विश्व के किसी शहर से मेल नहीं खाती है। जैसे कि हमारे हाथ में अंगूठे की रेखा है, यह रेखा हर व्यक्ति के हाथ में अलग अलग ही होती है, एक दूसरे से मिलती भी नहीं है, ऐसे ही हमारी जो स्वर्ण नगरी है जिसमें कि आज हम यात्रा कर रहे हैं, वह विश्व के किसी भी देश से मिलती जुलती नहीं है। आगे आइए देखिए, इतनी सारी बातें सुनने के बाद हमारी पूरी 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने घूमने का निर्णय किया। बच्चों कौन सी कक्षा के विद्यार्थी जा रहे हैं? आपकी कक्षा के यानी 5वीं कक्षा के विद्यार्थी जा रहे हैं। सर्दी की छुट्टियों में हिंदी के अध्यापक संदीप जी के साथ हम जैसलमेर के लिए रवाना हुए। बच्चों सर्दियों की छुट्टी आती है उसी में ही हमें घूमने का मौका मिलता है, और अगर हमें जैसलमेर की यात्रा करनी हो, जैसलमेर घूमना हो, तो सबसे अच्छा समय नवंबर से जनवरी तक रहता है। देखिए बीकानेर से बस रात में चली, बरकत, मुरली, रौनित, किशोरी और हम सभी हंसी खुशी मजाक करते सो गए। सुबह जैसलमेर के करीब पहुंचे तो देखा सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही है। पाषाण यानी कि पत्थर। बच्चों जैसलमेर का जो किला है वह पीले रंग के पत्थरों से बना हुआ है। जब सुबह हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि सूरज की जो पीले रंग की किरणें हैं वो जैसलमेर दुर्ग के पत्थरों पर पड़ रही है, जिसके कारण जैसलमेर दुर्ग चमक रहा है। जैसलमेर पहुँचे
होटल में ठहरे, तैयार होकर घूमने निकले, सबसे पहले किले को देखना तय हुआ। यानी कि बच्चों हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, हम सबसे पहले किले को देखने जाएंगे। किला त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। हाँ बच्चों, ये जो जैसलमेर का किला है वह त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। इसे त्रिकूटगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। मेहरावल जैसल ने इसका निर्माण कराया था। हाँ बच्चों, मेहरावल जैसल के द्वारा इस किले का निर्माण कराया गया था। आप जो यह तस्वीर देख रहे हैं यह जैसलमेर किले की है और ये जो दिख रही है यह त्रिकूट पहाड़ी है। चलते हैं आगे। हम प्रथम पोल अखे पोल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुँचे। बच्चों, पोल का अर्थ होता है बड़ा द्वार। हम सबसे पहले एक बड़े से द्वार के पास पहुँचे जिसका कि क्या नाम है, अखे पाल। वहाँ से होते हुए हम दुर्ग के ऊपर पहुँचे। हमने देखा कि जो किले की सड़क थी वह भी पत्थरों से बनी हुई थी। वहाँ हमने रंग महल, बच्चों ये रंग महल का चित्र है, मोती महल, यह मोती महल का चित्र है, और जैन मंदिर देखे, यह जैन मंदिर का चित्र है, और फिर लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन किए, यह चित्र लक्ष्मीनाथ जी का है। आगे आइए, इनके पत्थरों पर कलात्मक खुदाई वाले देवी देवताओं की प्रतिमा बनी हुई है। प्रतिमाएं यानी कि मूर्तियां। बच्चों, जब हमने इन सब मंदिरों को देखा तब हमने क्या देखा कि वहाँ पर जो चित्र बने हुए हैं मंदिर में वो देवी देवताओं की मूर्तियों के हैं, जिनमें की बहुत सुंदर कलाकारी की गई है। चारों ओर 99 बुर्ज हैं। ये बुर्ज दुर्ग को मजबूती प्रदान करते हैं। बच्चों, ये जो आपको दिख रहे हैं ये जैसलमेर दुर्ग में बने हुए बुर्ज हैं, जो क्या करते हैं, किले को मजबूती प्रदान करते हैं। इनकी संख्या 99 है। इसे हवेलियों में झरोखों की नगरी भी कहते हैं। यहाँ पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली आदि दर्शनीय हवेलियाँ हैं। इनके झरोखों पर की गई नक्काशी लाजवाब है। इनका सौंदर्य देखकर हम आश्चर्यचकित रह गए। बच्चों, जैसलमेर को हवेलियों की नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक हवेलियाँ हैं। यह शहर हवेलियों के लिए भी प्रसिद्ध है और यहाँ पर जो हवेलियों के झरोखे हैं, खिड़कियाँ हैं, उन पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। और यहाँ पर जो हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं उनमें नाम है पटवों की हवेली। यह जो चित्र आप देख रहे हैं यह पटवों की हवेली का है और यह चित्र नथमल की हवेली का है। आप लोग देखिए इस चित्र में ये जो झरोखे हैं इनमें कितनी सुंदर कलाकारी की गई है। आगे चलते हैं। हवेलियाँ देखने के बाद हम गड़ीसर गए। बच्चों, क्या आप जानते हैं ये गड़ीसर क्या है? बच्चों, गड़ीसर एक तालाब है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर 12 महीने पानी भरा रहता है। जैसलमेर में जहाँ पानी बहुत कम मिलता है वहाँ पर ये गड़ीसर तालाब एक ऐसा तालाब है जिसमें कि 12 महीने पानी रहता है। यह तालाब सदियों से यहाँ के बाशिंदों की प्यास बुझाता आया है। यहाँ का प्रत्येक पत्थर सौंदर्य बिखेरता नजर आता है। इसी की पाल पर मुक्तेश्वर मंदिर में बगीचियाँ बनी हुई हैं। बच्चों, ये जो आपको दृश्य दिख रहा है यह गड़ीसर तालाब का है। आप लोग देखिए कि गड़ीसर तालाब पर भी कितने सुंदर पत्थर लगे हुए हैं जिनमें की नक्काशी की गई है। दर्शन मोहित अनुराग को थकान महसूस होने लगी। बच्चों, जब सारे दिन भर हम घूमते हैं तो हम परेशान तो हो ही जाते हैं, तो आप जैसे छोटे बच्चों को थकान महसूस होने लगी। हम होटल में जाकर आराम करने लगे। यानी एक दिन पहले दिन हम खूब घूम लिए, उसके बाद जब थक गए तो होटल में जाकर सो गए। दूसरे दिवस हमने बादल बिलास और जवाहर बिलास देखे। बच्चों, आप जो ये चित्र देख रहे हैं यह बादल बिलास और जवाहर बिलास के चित्र हैं। आप लोग देखिए कि ये कितने सुंदर दिखाई देते हैं। अमर सागर के जैन मंदिर में कुलधरा देखकर हम सब पहुँचे। बच्चों, अमर सागर के जैन मंदिर अपने आप में स्थापत्य कला में अपना एक अलग स्थान रखते हैं। अगर आप उन्हें देखेंगे तो आप देखते ही रह जाएंगे क्योंकि बहुत सुंदर नक्काशी उन पर की गई है। उसके बाद हम कुलधरा गए।
क्या आप जानते हैं कि यह कुलधरा क्यों प्रसिद्ध है? बच्चों, कुलधरा जैसलमेर का एक ऐसा गांव है जो कि रातों रात उजड़ गया था। उसके बाद हम सम पहुंचे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि यह सम क्यों प्रसिद्ध है? आइए देखिए, वहां रेत का अथाह समंदर हमें बरबस ही अपनी ओर खींचता है। हाँ बच्चों, सम में हमें चारों तरफ रेत के टीले ही टीले दिखाई देते हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं, इसलिए सम प्रसिद्ध है। रेत के टीलों ने हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, यानी कि हमें बहुत अच्छा लगा। हम सम के धुरों की मखमली रेत पर खूब नाचे गाए। वहाँ ऊँट की सवारी ने बहुत रोमांचित किया। सूर्यास्त ने अपनी लालिमा बिखेरी और हम जैसलमेर लौट आए। आगे आते हैं, रात में कैर सांगरी पचकुटा की सब्जी में दाल बाटी चूरमा का आस्वादन किया। आस्वादन यानी कि स्वाद लेना। बच्चों, जब हम थक गए, हमें रात का समय हो गया, भूख लगी, तब हमने क्या किया? हमने राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध भोजन जिसका कि नाम है कैर सांगरी, यह बहुत पौष्टिक होती है, पचकुटा की सब्जी व दाल बाटी चूरमा खाया। बच्चों, यह राजस्थान का एक बहुत ही प्रसिद्ध भोजन है जो कि बहुत पौष्टिक होता है। अगले दिवस बड़ा बाग की छतरियां और वुड फॉसिल पार्क को देखा। बच्चों, ये जो बड़ा बाग की छतरियां हैं, ये जैसलमेर के राजाओं की स्मृतियों में बनाई गई है और ये वुड फॉसिल पार्क है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर हजारों साल पुरानी लकड़ियों के अवशेष देखने को मिलते हैं जो कि पत्थर में परिवर्तित हो गई है। बस का रुख पोखरण की ओर हुआ। रुख यानी कि मुंह या दिशा, यानी कि अब हम पोखरण की ओर चल दिए। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि यह पोखरण क्यों प्रसिद्ध है? बच्चों, पोखरण को देखकर हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यह हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि पोखरण में हमने अब तक के जितने भी परमाणु परीक्षण किए हैं वो सफल रहे हैं। देखिए, पोखरण का शक्ति स्थल देखकर सभी का सीना गर्व से फूल गया। सेवली गांव स्थित कदली वन धाम के भी दर्शन किए। बस बीकानेर की ओर चल पड़ी। बच्चों, ये जो सेवली गांव है, यहाँ पर के कदली वन में हनुमान जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। हमने वहाँ का दर्शन किया। उसके बाद हम बस से बीकानेर की ओर चल पड़े। यह हमारा बीकानेर जिला है। हम सभी आज भी यात्रा को याद करते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं। उस समय खींचे गए चित्र आज भी उस यात्रा की याद ताज़ा कर देते हैं। वास्तव में वह यात्रा भुलाए नहीं भूलती। हाँ बच्चों, जैसलमेर घूमकर हमें बहुत आनंद की अनुभूति हुई। आपने भी इस पाठ में मेरे साथ जैसलमेर देखा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। बच्चों, हम किसी भी यात्रा पर चले जाते हैं तो वह हमारे लिए बहुत ही अच्छी स्मृति हो जाती है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद हमें जो आनंद मिलता है, जो रोमांच की अनुभूति होती है, वह अपने आप में बहुत ही अलग है। बच्चों, आपको अगर कभी मौका मिलता है तो आप लोग जैसलमेर घूमने के लिए अवश्य जाना, क्योंकि आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि राजस्थान का यह जिला जैसलमेर अपने आप में बहुत अनुपम है। जैसा कि पाठ में आपको बताया भी जा चुका है कि राजस्थान के जैसलमेर जैसा विश्व का कोई भी नगर नहीं है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नमस्कार बच्चों।